जय हिंद बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित वर्चुअल क्लास में मैं डॉक्टर पारुल यादव राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रयागराज से एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। बच्चों, हम लोग कक्षा 12 की गणित का 10वां अध्याय सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति का अध्ययन कर रहे थे। इसके 5 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम लोग भाग 6 का अध्ययन करेंगे। भाग 5 के में हम लोगों ने सदिशों के गुणन के बारे में पढ़ा था कि सदिशों का हम दो तरीके से गुणन कर सकते हैं, बिंदु गुणन और वज्र गुणन। बिंदु गुणन हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोगों को वज्र गुणन पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। सदिश या वज्र गुणन, मान लीजिए कि ए और बी दो अशून्य सदिश हैं, तो उनके जो सदिश या वज्र गुणन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। चूंकि वज्र गुणन है, क्रॉस प्रोडक्ट इंग्लिश में से बोलते हैं, तो दोनों के बीच में क्रॉस का साइन लगा करके उसको डिनोट करते हैं, और वो बराबर होता है सदिश ए के मापांक गुणे सदिश दो का माप सदिश बी का मापांक गुणे साइन थीटा, और इनटू इसमें आप एक नया टर्म देखेंगे एन कैप क्या होता है इसे हम अभी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले थीटा आप जानते हैं वो एंगल है जो ए और बी के बीच में बनता है, और हमको यहाँ पर इसका साइन लेना है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और इनका जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, यानी कि जो इसका रिजल्टेंट आएगा, परिणाम आएगा, वो भी एक वेक्टर होगा। यहाँ पर ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अब आइए देखते हैं कि जो ये एन कैप है ये क्या चीज़ है। एन कैप जो सदिश ए और सदिश बी के लंबवत मात्रक सदिश है, और ए और बी के गुणन सदिश, इनका गुणन करने पे जो गुणन सदिश आता है उसको हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखते हैं, कि दिशा जो होती है वो मात्रक सदिश एन कैप के अनुदिश होती है। इसकी जो दिशा होगी वो मात्रक सदिश एन कैप के अनुदिश होगी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ए और बी समांतर हैं तो जो एन कैप का मान है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो प्रोडक्ट है, उस क्रॉस प्रोडक्ट है, उसको हम ज़ीरो दिखाते हैं बिकॉज ऑफ साइन थीटा, क्योंकि साइन ज़ीरो की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है, लेकिन दिशा के बारे में अनुमान जो है वो नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है वज्र गुणन की ज्यामिति व्याख्या। वज्र गुणन को हम और किस तरीके से समझ सकते हैं, तो आइए सपोज दैट हम लोग यहाँ पर ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन हमने बनाया है, आप देख सकते हैं एक्स वाई प्लेन है, इसमें है ये आपका वेक्टर बी मान लीजिए, और ये है वेक्टर ए, और थीटा इनके बीच का कोई कोण है। अब हमको क्या करना है, वेक्टर बी के पैरेलल ही हमने एक और वेक्टर खींचा है, और वेक्टर ए के पैरेलल हमने एक वेक्टर और खींचा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो भी वेक्टर ए के बराबर हो जाएगी, और इसकी जो वैल्यू है वो भी वेक्टर बी के बराबर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस पर हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये डायग्राम बच्चों आप लोग इसे ध्यान से देखिए, ये हमने संरचना की है वज्र गुणन के ज्यामिति, जो उसकी व्याख्या होती है, उसका ज्यामिति अर्थ क्या होता है इसको समझने के लिए। तो दो सदिशों का, अब चूंकि सदिशों का, अब इसे हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू क्या होती है, वेक्टर ए का मापांक गुणे वेक्टर बी का मापांक गुणे साइन थीटा और इनटू एन कैप। ये आप देख सकते हैं ये ए क्रॉस बी की वैल्यू ये होती है। तो अब अगर हम ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आ रहा है, अगर हम उसका मॉड्यूलस लें तो क्या हो जाएगा, सपोज दैट आपका ये हो गया ए, ये हो गया बी, साइन थीटा का मान जो भी हो स्केलर ही होगा, और चूंकि एन कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का जो अगेन मापांक होता है वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर ये ए इंटू बी साइन थीटा के बराबर आ जा रहा है। तो दो सदिशों का वज्र गुणन का जो परिमाण होता है उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है जिसकी आसन्न भुजाओं को, आसन्न भुजाएं आप देख रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी से निरूपित हैं, और चूंकि
ए तो एक भुजा हो गई। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबवत दूरी ज्ञात करते हैं जो कि बी साइन थीटा के बराबर होगी। तो अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि दो सदिशों का जो वज्र गुणन होता है उसका मापांक उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है जिसकी आसन्न भुजाओं को क्रमशः उन्हीं वेक्टर्स के द्वारा निरूपित किया गया हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ए क्रॉस बी सदिश जो होता है, जो कि वेक्टर ए है वेक्टर बी, दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है, लेकिन जो ए क्रॉस बी आता है, और चूंकि ये रिजल्ट आप लोगों को प्लेन तक, ये आपको ध्यान देना, जो ए क्रॉस बी होगा जो अब रिजल्ट आ रहा है वो ए तथा बी दोनों पर ही लंब होगा, यानी कि जो दोनों सदिशों का वज्र गुणन होता है वो दोनों ही सदिशों के लंबवत होता है। इसको हम अभी और डायग्राम से समझाएंगे आपको आगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सदिश गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं। तो दो सदिशों का गुणन क्रम विनिमेय के नियम का पालन नहीं करता है, और सदिशों में जो एन कैप होता है, जब हमने आपको बताया कि एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था एन कैप, तो वो जो है ए क्रॉस बी के गुणन से जो अब नई दिशा, जो उनके गुणन की वज्र गुणन की जो नई दिशा होगी वो हमको किससे पता चलती है, एन कैप से पता चलती है। लेकिन उसके पहले हम सदिशों के गुणधर्म देख लेंगे और फिर ये जानेंगे कि एन कैप की दिशा कैसे निर्धारित होती है। तो सदिशों का जो गुणन होता है वो क्रम विनिमेय के नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा एंगल्स को हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, और ए और बी के बीच में जो एंगल है, और जब हम बी से ए में चलेंगे तो जो दिशा होगी वो परिवर्तित हो जाएगी। और आपको मालूम है अगर हम एंगल्स को निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन मेजर करेंगे वो माइनस थीटा हो जाएगा, और जो साइन थीटा होता है वो आपका निगेटिव के साइन को एलिमिनेट नहीं करता, यानी कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। नेक्स्ट है बच्चों, समांतर सदिशों का सदिश गुणन जो होता है वो शून्य होता है, क्यों, क्योंकि उनके बीच का एंगल जीरो होगा और साइन जीरो की वैल्यू आपकी जीरो होगी। नेक्स्ट है सदिश गुणन किसी अदिश के सापेक्ष जो है उनके योग के जो साहचर्य का साहचर्य के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सदिश गुणन का जो होता है वो सदिश योग के सापेक्ष जो है वितरित होता है, यानी कि सपोज दैट ये है आपका मान लीजिए वेक्टर ए और बीच में क्रॉस का साइन लगा है बी प्लस वेक्टर सी है, तो ये बराबर होगा ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी के, यानी कि जो सदिश गुणन होता है वो सदिश योग के सापेक्ष वितरण के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट है दो समान सदिशों का सदिश गुणन जो है वो शून्य सदिश होता है, क्योंकि जो है जो समान सदिश होते हैं उनके बीच का भी जो कोण होगा वो जीरो डिग्री का होगा, और जीरो डिग्री का जब साइन जीरो की वैल्यू आपकी जीरो होती है। तो दो समान सदिशों के बीच का और दो समांतर, बच्चों ध्यान देना है दोनों डिफरेंट चीज़ है, समांतर और समान, समांतर के बीच में भी जीरो डिग्री का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो समान हो, और जो समान सदिश हैं यानी कि वो बराबर है, उनकी डायरेक्शन भी सेम है, उनके बीच का एंगल जीरो, और उनकी जो मापांक है मॉडुलस वैल्यू है वो भी जो है आपकी उसके बराबर होगी, एक दूसरे के बराबर होगी, तो उनका भी जो अगर हम सदिश गुणन निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो वो भी आपका जीरो के बराबर होगा। दो सदिशों के सदिश गुणन से प्राप्त सदिश की दिशा, अब यहाँ पर हमको हमने एक नया टर्म हमने आपको बताया एन कैप आया, और एन कैप क्या बताता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है अब उसकी दिशा क्या होगी, तो उसकी दिशा को हम लोग दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से यानी कि राइट हैंडेड स्क्रू रूल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों ये जानेंगे, आप लोगों ने फिजिक्स में कई तरीके के नियम पढ़े होंगे, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेकिन ये आपको वेक्टर्स में डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए, इसको थंब रूल से भी निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो है जो दक्षिणावर्ती पेज का नियम और वामावर्ती पेज का नियम है इसके जरिए बताने का प्रयत्न करूंगी। तो जब किसी पेंच को, पेंच आप सब लोग से यूज टू हैं, कभी ना कभी अपनी लाइफ में सब लोगों ने पेंच इस्तेमाल किया होगा, तो पेंच को जब घुमाया जाता है, किसी भी पेंच को
चाहे आप उसको किसी चीज़ में इंसर्ट कर रहे हो या निकाल रहे हो, तो जब उसको हम घुमाते हैं तो घुमाने से क्या होता है, उसमें एक स्थानांतरीय गति उत्पन्न हो जाती है। स्थानांतरीय गति उत्पन्न होने की वजह से क्या होगा कि जो पेंच होगा वो या तो ऊपर के डायरेक्शन में या तो नीचे की डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगेगा। तो अब जो है, जो अब ये तो आपका हो गया पेंच का नियम कि पेंच किस तरीके से गति कर सकता है, और उसके गति के आधार पर उसको हम लोगों ने दो तरीके से बांटा है। एक होता है कि जब हम दाएं हाथ से पेंच को बाएं हाथ की तरफ घुमाते हैं, दाएं हाथ से पेंच को जब हम बाएं हाथ की तरफ घुमाएंगे यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसको हम जो है दक्षिणावर्ती डायरेक्शन बोलेंगे, और राइट हैंडेड स्क्रू रूल। दूसरा है बाएं हाथ से जब हम उसको घुमाएंगे दाहिने हाथ की तरफ यानी कि इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त क्रम में। देख लीजिए क्रम उल्टा है, दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर जब हम घुमाते हैं तो वामावर्त क्रम रहता है, क्रम रहता है वामावर्त, लेकिन इसको बोला जाता है दक्षिणावर्ती पेच का नियम, और बाएं हाथ से जब हम दाएं हाथ के इनकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं लेकिन इसको हम लेफ्ट हैंडेड स्क्रू रूल तब बोलते हैं, यानी कि वामावर्त पेच का नियम। तो अब इसमें आप देख सकते हैं, जब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राइट हैंडेड, ये वाला डायग्राम आपका राइट हैंडेड स्क्रू रूल को शो कर रहा है और ये डायग्राम आपका लेफ्ट हैंडेड स्क्रू रूल को शो कर रहा है। तो अब राइट हैंडेड में आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोज दैट आपका ये एक प्लेन है, ये आपकी जो है एक्स एक्सिस है, y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो ये जो प्लेन है वो आपका एक्स ओ वाई प्लेन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा एंगल का मेज़रमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से मेज़र होता है। तो ये देख रहे हैं कि आप हम लोग घड़ी की सुइयों के विपरीत चल रहे हैं, तो जब पेंच को इस तरीके से घुमाते हैं तो पेंच क्या होगा, ऊपर की ओर गति करेगा। तो जो इसकी तीसरी एक्सिस है आप देख सकते हैं, तीसरी एक्सिस मींस जेड एक्सिस, वो आपकी एक्स ओ वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जब यानी कि हम एक्स से, अब ये मूवमेंट हमारा देखिए, हम पेंच को घुमा रहे हैं दाहिने हाथ से राइट हैंडेड स्क्रू रूल और किधर, बाएं हाथ की ओर। तो इसकी गति जो है घड़ी की सुइयों के विपरीत है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, और ये ऊपर की ओर उठेगा यानी इन दोनों का यदि हम गुणा करते हैं तो वो किसी तीसरी ही दिशा को डिनोट करता है। वो तीसरी दिशा क्या है, इन दोनों के लंबवत। क्योंकि हमने बच्चों आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम दो सदिश लेते हैं तो जो दो सदिशों का वज्र गुणन होता है यानी ए क्रॉस बी जो होता है वो दोनों ही सदिशों के लंबवत होता है, यानी कि सदिश ए के भी लंबवत होता है और सदिश बी के भी लंबवत होता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसके सापेक्ष आपको मालूम है आई, इसके सापेक्ष जे और इसके सापेक्ष के यूनिट वेक्टर है, और ये तीनों भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब हम अब आगे हम लोग देखेंगे कि जब हम किसी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में वियोजित करते हैं तब वो किस तरीके से बिहेव करते हैं या हम उनका डायरेक्शन किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर बस वही डायरेक्शन शो करता है कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई, अब चूंकि हमें तो पता नहीं है कि हम x से y, y z या z x, वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, इसीलिए उसको एक सामान्य रूप से n कैप से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन में आप अपने आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि i j का मल्टी, चूंकि अब देखिए i से j की तरफ जा रहे हैं तो उसके लंबवत कौन है, के है। जब आप, और चलना आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, के से अब आप आई में आएंगे तो आपका प्लेन कौन सा हो जाएगा, एक्स ओ जेड प्लेन हो जाएगा, और अब उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी वो आपकी वाई हो जाएगी। अब सेम केस में अगर आप जे से के में जा रहे हैं तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि वाई ओ जेड प्लेन होगा, और अब चूंकि ये बच्चों ये बना आपका टू डायमेंशन में लेकिन ये थ्री डायमेंशनल शेप होता है, आपको मालूम ही है स्पेस में किस तरह से रिएक्ट किए करते हैं। तो वाई ओ जेड जो प्लेन है उसके ऊपर आपकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो कौन सी है, एक्स है, और वाई ओ जेड में क्या होगा, हम वाई से जेड की तरफ चलेंगे यानी कि जे से के में, जब जे से के की तरफ जा रहे हैं तो जो आई यूनिट वेक्टर है वो एक्स ओ वाई ओ जेड प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है।
तो डायरेक्शन का जो वज्र गुणन करते वक्त या क्रॉस प्रोडक्ट हम जब भी निकालें, हमें डायरेक्शंस का बेहद ध्यान रखना है कि कब आई में जे का मल्टीप्लाई हो रहा है, जे में के का हो रहा है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायरेक्शन से ही आपका जो वेक्टर्स हैं उसमें प्लस या माइनस का साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब हम लोग एकांक सदिशों यानी कि आई जे के सदिश गुणन को हम देखेंगे। आपको मालूम है जो मात्रक सदिश होते हैं आई जे के, वो एक दूसरे के ऊपर परस्पर लंबवत होते हैं। अतः इनमें से किन्हीं भी दो सदिशों से खींचा गया समतल, जैसा कि अभी हमने आपको जस्ट बताया है कि किन्हीं भी दो सदिशों के खींचा गया समतल जो होता है वो तीसरे सदिश के लंबवत होगा। डायग्राम बच्चों उसमें भी आपका वही सेम बनेगा कि यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कितने तरीके के प्लेन हैं। एक्स ओ वाई प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस आपकी कौन सी हो गई, जेड एक्सिस हो गई। फिर आपका वाई ओ जेड किन्हीं भी दो सदिशों से बोल रहा है, यानी कि वो दो सदिश कोई भी हो सकते हैं। अभी यहाँ पर हम एक्सिस लेके चल रहे हैं, तो वाई ओ जेड प्लेन जो होगा उस पर जो एक्सिस परपेंडिकुलर होगी वो आपकी जेड एक्सिस होगी। और अगर आपका हम जेड ओ एक्स प्लेन लेंगे या एक्स ओ जेड इसको हम लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं, और इस पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी वो क्या होगी आपको, आपकी वाई एक्सिस होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात वही है कि हमारा मूवमेंट हमेशा आई से जे, जे से के और के से फिर आई। अगर हम इसके विपरीत चलते हैं यानी कि अगर हम अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो माइनस का साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो अब समकोणिक घटकों के पदों में दो सदिशों का सदिश गुणन किस तरीके से कर सकते हैं ये देख लीजिए। सपोज दैट कोई वेक्टर है आपका ए, अगर हम उसको उसके समकोणीय घटकों के पदों में अगर लिखें तो अगर उसका एक्स एक्सिस पर वियोजित भाग ए वन के बराबर, वाई एक्सिस पर वियोजित भाग ए टू के बराबर और जेड एक्सिस पर वियोजित भाग ए थ्री के बराबर है, और सेम मैनर में जो वेक्टर बी है उसका बी वन बी टू बी थ्री क्रमशः एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका वियोजित भाग है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और सेम मैनर में बी जो है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। ए क्रॉस बी, अब चूंकि हमको इसे लेना है इस तरीके से, तो जब हम इनका वज्र गुणन करेंगे तो ये किस तरीके से आता है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में बच्चों लिख सकते हैं। आप गुणा करके देखिएगा। अब इसमें क्या होता है, जब हम आई क्रॉस जे, चूँकि हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम जब ए वन लाइन से जैसे सिंपल एल्जेब्रा में होता है गुणा करना शुरू करेंगे, तो ए वन आई अगर हमने उठाया है तो ए वन आई का बी वन आई से, अब चूँकि आई आई का जैसे डॉट प्रोडक्ट वन के बराबर होता था, क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा बिकॉज ऑफ साइन थीटा, एंगल आपका वही है लेकिन चूँकि हम वहाँ पर कॉस लेते थे डॉट प्रोडक्ट में और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन लेते हैं, तो ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि जब जो ये एकांक सदिश हैं वो सेम होंगे, आई आई जे जे के ज़ीरो हो जाएगा और रेस्ट सभी का मल्टीप्लिकेशन होगा। और मल्टीप्लिकेशन करते समय बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमेशा आई से जे की तरफ, जे से के की तरफ और के से, अगर कहीं इस रूल का वायोलेशन होता है तो ऑटोमेटिकली जो है माइनस का साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो आई एक मैं आपको करके समझा दे रही हूँ और रेस्ट उसी तरीके से होता है। आई चूँकि यूनिट वेक्टर है इसका मॉड्यूलस लेंगे, जे ये भी यूनिट वेक्टर है इसका मॉड्यूलस लेंगे, और साइन क्या हो गया 90 डिग्री, और एन कैप की वैल्यू चूँकि अब लेफ्ट हैंडेड इनके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है, क्लियर कट अब हमें दिख रहा है आई जे दिस मीन्स के, तो एन कैप जो होगा वो आपका के, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, और ये क्या हो जाएगा जो एन कैप है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम एक्स वाई प्लेन आई मीन्स एक्स और ओ और जे मीन्स वाई पे चल रहे हैं तो जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी तो ये के बराबर। उसी तरीके से जब हम जे के निकालते हैं तो ये आई के बराबर हो जाता है, और के कैप का जब हम आई कैप से निकालते हैं तो ये जे कैप के बराबर
हो जाता है। अब इसमें अगर कहीं भी रूल का वायोलेशन होता है, जे आई आएगा तो वेक्टर तो के रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टा, क्योंकि अब हमारा लेफ्ट हैंडेड स्क्रू रूल अप्लाई होने लगेगा, हमने डायरेक्शन को वायोलेट किया है क्योंकि इसका नियम है हमको इसको राइट हैंडेड स्क्रू रूल से, लेकिन अब हम एंटी क्लॉक वाइज ना जाके चूँकि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक माइनस का साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो सवाल को हल करते वक्त आपको इससे इसका विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी को, चूँकि अब इसका जब आप गुणा करेंगे करके देखेंगे बहुत सिंपल है, तो ये आएगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू आई। और यहाँ पर बच्चों आता है, चूँकि मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हैं, ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन, तो हमने माइनस का साइन, चूँकि सबको प्लस करने के लिए माइनस का साइन बाहर ले लिया, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है, तो ये रिवर्ट हो गया है। बाकी फिर ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन के जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक जो है इस डिटर्मिनेंट की तरह है। आई जे के को अगर हम ऊपर लिख दें, आई के नीचे आई के करस्पॉन्डिंग उनके जितने भी कोफिशियंट है फ्रॉम वेक्टर ए एंड फ्रॉम वेक्टर बी, सिमिलरली जे के जो है करस्पॉन्डिंग उसके जो भी कोफिशियंट हैं वेक्टर ए से वेक्टर बी से उनको नीचे लिखेंगे, और उनके जो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको हमारा ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो यानी कि दो सदिशों के वज्र गुणन को हम जो है एक सारणिक द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सारणिक की प्रथम रो में क्रम से हम आई जे के लिखते हैं और आई के नीचे आई के कोफिशियंट, जे के नीचे जे के कोफिशियंट और के नीचे के कोफिशियंट लिखते हैं, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो दो सदिशों का वज्र गुणन हमको मिल जाता है। और मापांक आपको मालूम ही है कि सदिश ए का मापांक जब अगर वो अपने समकोणीय पदों में व्यक्त है तो ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर, और बी का सेम मैनर में बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर और उसका अंडर रूट हो जाएगा। तो इसे हम लोगों ने समझ लिया। और अगर अब इन्हीं की सहायता से जैसे वहाँ पर हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में भी एंगल निकाला था, तो सेम तरीके से हम इसमें भी जो है क्रॉस प्रोडक्ट में भी एंगल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम लोगों ने ली है, यहाँ पर हम लोगों ने एन कैप को हटाने के लिए क्या किया है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस ले लिया। ए क्रॉस बी का मॉडुलस लेने से ये सब तो वेक्टर ए का जो मापांक है वो तो ए के ऑलरेडी स्केलर है, उसमें मॉडुलस वैल्यू लगेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा भी स्केलर है, बी वेक्टर जिसका भी मापांक जो है एक स्केलर है, और एन जो है एक यूनिट वैक्टर है, और जब हम एन का मापांक लेंगे तो वो वन के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा अब आप जो है पक्षांतर विधि से ए क्रॉस बी का मॉडुलस डिवाइडेड बाई वैक्टर ए का मॉडुलस इंडिविजुअली इंटू वैक्टर बी का मॉडुलस। तो इस तरीके से हम अगर हमारे पास दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है तो भी हम उनके बीच में बनने वाला एंगल निकाल सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो इस तरीके से अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है फिर भी हम एंगल्स को निकाल सकते हैं। तो आई होप कि बच्चों आपको बिंदु गुणन और जो है वज्र गुणन दोनों समझ में आ गया होगा। अब क्या जिस तरीके से दो वेक्टर्स का मल्टीपल हम लोग करते हैं प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्या उसी तरीके से तीन वेक्टर्स का भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो अगले टॉपिक में हम ये देखेंगे। इसको बताने से पहले बच्चों एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि कोविड 19 की वजह से जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें से आपका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हटा दिया, तो इसे हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन चूंकि प्लेन की इक्वेशन को सिद्ध करने के लिए हमें ट्रिपल, चूँकि दो फॉर्म होते हैं आगे जब आपको हम प्लेन पढ़ाएंगे, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक, यानी कि परामिति और अपरामिति फॉर्म होते हैं, तो वहाँ पर उसको पढ़ने के लिए हमको ब्रीफ नॉलेज चाहिए होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का और वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो आइए देखते हैं कि क्या तीन सदिशों का गुणन संभव है, और अगर संभव है तो किस तरीके से। तो तीन सदिशों का गुणन और ज्यामितीय अनुप्रयोग हमको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। सपोज दैट हमारे पास ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं, तो तीन वेक्टर्स हैं अशून्य हम मान के चलते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, हमारे पास तीन नॉन जीरो अशून्य सदिश हैं।
अब हमें मालूम है कि ए डॉट बी यानी कि दो सदिशों का अगर हम बिंदु गुणन करते हैं तो वो एक स्केलर मिलता है। इसका प्रोडक्ट क्या है? एक स्केलर है। अब अगर हम इसमें एक और वेक्टर से सी वेक्टर से हम गुणा कर देते हैं तो इसके ऊपर कोई चेंज नहीं पड़ेगा, कोई नया वेक्टर नहीं, क्योंकि एक स्केलर है और ये एक स्केलर और एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? दो वेक्टर्स को हम किस तरीके से गुणा करें कि जब इसका भी गुणनफल हमको एक वेक्टर के रूप में मिले। तो अगर हम दो वेक्टर्स मान लीजिए हमारे ए और बी हैं, अगर हम ए क्रॉस बी दोनों लेते हैं तो ए क्रॉस बी लेने पर क्या होता है कि जो हमारा रिजल्टेंट आता है, जो परिणामी होता है, वो एक वेक्टर होता है। ये हम लोगों ने करके देखा है। जब हम किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो परिणाम हमको मिलता है वो भी क्या होता है? एक वेक्टर होता है। तो दो वेक्टर्स में, अब इसमें देखिए वेक्टर है और अगर अब इसमें हम एक तीसरा वेक्टर ले रहे हैं सी, इससे गुणा कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि हम इसका डॉट प्रोडक्ट जो है निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि सी इज़ इट्सेल्फ ए वेक्टर, सी अपने आप में एक सदिश है और ए क्रॉस बी का जो परिणामी है वो भी एक सदिश है। तो इस तरीके से, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी ये भी एक वेक्टर है और जब हम इसका तीसरे वेक्टर सी से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो भी हमको एक वेक्टर मिलेगा। तो जब हम किन्हीं दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को किसी तीसरे वेक्टर्स का से उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अदिश त्रिगुणन, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जब ये वाली कंडीशन होती है, यानी कि दो सदिशों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और फिर उसका किसी तीसरे सदिश से भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, तो जो है वो क्या हो जाएगा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया? अब अदिश त्रिगुणन क्या है? माना कि ए बी सी तीन सदिश राशियां हैं, बी और सी का सदिश गुणन, बी क्रॉस सी एक सदिश राशि है जिसका सदिश ए से अदिश गुणन लेने पर हमको ए डॉट बी क्रॉस सी प्राप्त होता है जो कि एक अदिश राशि है। इस गुणन को हम अदिश त्रिगुणन बोलते हैं और अदिश त्रिगुणन को जिसमें तीन सदिश एक क्रमिक त्रिक यानी कि ऑर्डर्ड ट्रायड बनाते हैं, जिसको हम ये बिग ब्रैकेट आप देख रहे हैं ए बी सी लिखते हैं अथवा बिना कॉमा के भी लिखते हैं। आगे जब हम आपको इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे तब बताएंगे कि इन्हें हम बिना कॉमा के क्यों लिखते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को अदिश त्रिगुणन और सदिश त्रिगुणन दोनों समझ में आ गया होगा। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हमारे कोर्स में बहुत कम है, बस हम जानना है हमें कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किसे कहते हैं और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो है आपके कोर्स में यूज है। प्लेन को पढ़ते वक्त आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है, तो हम थोड़ा सा इसकी अगली कक्षा में इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा प्लेन का समीकरण यानी कि हम समतल के समीकरण पर आ जाएंगे। तब तक आप एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्नों को हल करिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।